तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज़ में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ माइनक्राफ्ट की कमाल की टेक्निक। जी हाँ, आज मैं आपके लिए माइनक्राफ्ट की कमाल की टेक्निक लेके आया हूँ, जिसकी मदद से आप अपने माइनक्राफ्ट में ढेर सारे, जी हाँ ढेर सारे अनलिमिटेड आप लोग डायमंड डुप्लीकेट कर सकते हो। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। मैं आपको जो टेक्निक बताऊंगा, आपको बस इसी टेक्निक को फॉलो करना है और आप भी अपने माइनक्राफ्ट में ढेर सारे अनलिमिटेड डायमंड डुप्लीकेट कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक पिस्टन लगाना है, तो यहाँ पे हम एक पिस्टन लगाते हैं। उसके ऊपर आपको एक स्लाइम बॉल इस तरह लगाना है, नीचे आना है और आपको इस तरह से पास के ब्लॉक को डिक कर लेना है। तो आप लोग इस तरह से डिक कर लीजिएगा, इस तरह से आपको ब्लॉक डिक करना है। डिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, तो आपको यहाँ से नीचे जाना है, ऑब्जर्वर को ऐसे कनेक्ट करना है इस तरह से। उसके बाद आपको इस तरह से कनेक्शन देना है, तो आप इस तरह से कनेक्शन कर दीजिएगा। कनेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे कोबल स्टोन लगाने, इस तरह से आपको यहाँ पे कोबल स्टोन लगाने। तो कोबल स्टोन की एक आप लोग दीवार बना लीजिए, कोबल स्टोन लगा दीजिए। लगाने के बाद इस तरह से एक कोबल स्टोन दीवार बन जाएगी, आप लोग देख सकते हो। पूरी तरह से आपको एक दीवार बना लेनी है, दीवार बना लीजिए। दीवार बनने के बाद अब आपको यहाँ पे वाटर लेना है, वाटर ले लीजिए। वाटर को आपको यहाँ पे डालना है, वाटर यहाँ तक आएगा, आप लोग देख सकते हो। तो वाटर कहाँ तक आ रहा है आपको ये देखना है। अब यहाँ से यहाँ तक जो है वाटर हमारा आ रहा है, तो वाटर को आपको देख लेना है, वाटर को देख लीजिए। उसके बाद आपको इस तरह से डिक करना है, यहाँ पे चेस रखनी है, यहाँ पे आइए। अब आपको यहाँ पे हॉपर लगाने, तो यहाँ पे अब हम हॉपर ले लेते हैं। आपको ऊपर लगा देने, ऊपर लगने के बाद दोबारा से आपको इसे कवर कर लेना है कुछ इस तरह से। तो आपको कुछ इस तरह से कवर कर लेना है। उसके बाद आपको रेस्टोन लेना है। अब आपको यहाँ पे रेस्टोन लेना है। उसके साथ ही आपको लेना है एक डायमंड का ब्लॉक, डायमंड ब्लॉक ले लीजिएगा। आपको रेडस्टोन को इसके ऊपर इस तरह से डालना है, इस तरह से डालिए। डायमंड का ब्लॉक लेना है, जिसे आपको स्लाइम बॉल के ऊपर इस तरह से रखना है। अब आपको रेडस्टोन से यहाँ से इस तरह से आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है लीवर। लीवर कनेक्ट होने के बाद आपको नीचे आना है। अब आपको ये मशीन एक्टिव करनी है, तो दोस्तों चलिए मशीन को एक्टिव करते हैं। तो दोस्तों, अब आपको ये मशीन एक्टिव करनी है। एक बार एक्टिव कीजिए, दूसरी बार जैसे ही आप करोगे तो आपकी मशीन इस तरह से काम करेगी, और इसी के साथ आपके जो डायमंड है वो भी यहाँ पे डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो हमारे जो डायमंड है वो यहाँ पे डुप्लीकेट हो रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग अपने लिए इसी तरह अनलिमिटेड डायमंड फार्म बना सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।